हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रतिमा, मेरे किड्स कैन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो, और इस वीडियो में हम सीखेंगे पानी में रहने वाले जीवों के नाम, मतलब वाटर एनिमल्स नेम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है टर्टल। टर्टल को हिंदी में बोलते हैं कछुआ। ये देखिए, ये है क्रैब। क्रैब को हिंदी में बोलते हैं केकड़ा। ये अगला है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हिंदी में ऑक्टोपस ही बोलते हैं। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल, जिसे हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। ये देखिए, ये है श्रिम। श्रिम को हिंदी में बोलते हैं झींगा। ये देखिए, अगला है ऑयस्टर। ऑयस्टर को हिंदी में बोलते हैं सीप। ये देखिए, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन ही बोलते हैं। ये देखिए, अगला है वेल, जिसे हिंदी में भी वेल ही बोला जाता है। ये देखिए, ये है सील। सील को हिंदी में हम सील ही बोलते हैं। ये देखिए, ये है वॉलरस, जिसे हिंदी में हम वॉलरस ही बोलते हैं। अगला है शार्क। शार्क को शार्क मछली बोला जाता है। ये देखिए, ये है जेलीफिश, जिसे हम हिंदी में जेलीफिश बोलते हैं। ये देखिए, ये है हिप्पोपोटेमस, जिसे हम हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं। ये देखिए, ये है सी हॉर्स, जिसे हिंदी में समुद्री घोड़ा बोला जाता है। ये देखिए, अगला स्टारफिश है, जिसे हिंदी में हम नक्षत्र मछली बोलते हैं। ये देखिए, अगला है ईल, जिसे हिंदी में बाम मछली बोला जाता है। ये देखिए, ये है लॉबस्टर, जिसे हिंदी में झींगा मछली बोलते हैं। ये देखिए, ये है स्क्विड, जिसे हिंदी में हम स्क्विड ही बोलते हैं। ये देखिए, अगला है ऑर्का, जिसे हम हिंदी में ऑर्का बोलते हैं। अगला है सी लायन, जिसे हम हिंदी में जल व्याघ्र बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।